हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एक चैप्टर कर चुके हैं साइंस का, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो फर्स्ट चैप्टर था आपकी बुक का, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5, और ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये चैप्टर आपको नहीं आएगा तो आगे जो आपके 2-3 चैप्टर्स और हैं बायोलॉजी के, वो इससे कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं बताऊंगी उन्हें ध्यान से सुनना, ठीक है? तो हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे कुछ इंटरवल्स में। पहला क्या है, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल क्या होती हैं, और फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल कैसे बना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनलीज हैं, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं, देखो सेल क्या है, लाइफ का बेसिक, सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि इसी के बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर बना है, और इसी की वजह से क्या कर रही है हमारी बॉडी या हमारी लाइफ क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, ठीक है? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल को क्यों कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखो इसका आंसर यहाँ पे है, Why cell is known as the basic structural and functional unit of life? कि सेल को बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? All organisms are made up of small tiny units called cells. क्या कह रहा है, देखो कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किससे बने हैं, एक टाइनी यूनिट, बहुत छोटे छोटे यूनिट से बने हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सेल। A cell is the basic structural and functional unit of life, as living organisms are made up of either just one cell or many cells. अगर एक सेल से बना है तो उसे क्या बोला है हम लोगों ने, यूनिसेल्यूलर, और अगर ज़्यादा सेल से बना है तो क्या बोला है उन्हें, मल्टीसेल्यूलर, ठीक है? क्या बोला है, देखो दोबारा से, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। सबसे पहली लाइन कि सेल क्या है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक छोटे छोटे यूनिट्स, कंपार्टमेंट से बने हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब सेल को क्यों कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो या तो किससे बने हैं, एक सेल से, देखो मेड अप ऑफ आइदर जस्ट वन सेल, जिसे बोला गया है यूनिसेल्यूलर, या फिर मैनी सेल्स, जिसे बोला गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक सेल है तो उसे क्या बोला गया है, यूनिसेलुलर। अगर उसके पास ज़्यादा सेल्स हैं तो उसे क्या बोला गया है, मल्टी सेलुलर। अब सेल का मतलब क्या होता है, देखो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल क्या है, एक लैटिन का वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, एक छोटा सा कमरा। अब देखो फीचर्स कॉमन टू ऑल सेल्स, कौन कौन से करेक्टर्स, कौन कौन से विशेषताएँ हैं जो क्या है, सारे सेल्स में क्या है, कॉमन है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, ठीक है? ऑल सेल्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन। सारे सेल्स के पास क्या है, एक डेफिनेट बाउंड्री है, एक दायरा है जहाँ तक वो सीमित रहती हैं, और सेल मेम्ब्रेन, उस बाउंड्री को क्या बोला गया है, सेल मेम्ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट इन ऑल सेल्स, लेकिन हर एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है? ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटीरियल, सब सेल्स के अंदर क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। जेनेटिक मटीरियल कौन सा मटीरियल होता है, जो क्या करते हैं, हमारे जीन्स कैरी करते हैं, जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। देखो दोबारा से, ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटीरियल, यूजुअली DNA और RNA। क्या होगा सेल्स के अंदर, जेनेटिक मटीरियल होता है, जिसे यूजुअली कौन सा होता है जेनेटिक मटीरियल, DNA या फिर RNA। अब DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और RNA की राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? फिर देखो कि अगला पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सेम इन ऑल सेल्स, कि क्या है, जो
प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन है, एनर्जी का। एनर्जी जो बनती है उसका तरीका क्या है, हर एक सेल में है, सेम है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑल सेल्स ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल्स। सक्सेसर सेल मतलब क्या होता है, आने वाली जनरेशन वाला सेल, कि जितनी भी सेल हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कहाँ होती है, डीएनए या आरएनए के अंदर होती है, उसे क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, यानी कि ट्रांसफ़र कर रही है, किसके अंदर, अगली जनरेशन के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मटेरियल एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑल्सो सेम। सभी सेल के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होना, अदला बदली होना, मटेरियल की अदला बदली होना और बाकी सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ऐसी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है, या तो सब्सटेंसेस बनते हैं या टूटते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो अब एक बार क्या करते हैं, हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जो किस में कॉमन है, सारे सेल्स में कॉमन है। देखो सबसे पहले क्या है, ऑल सेल्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन, कि सभी सेल के पास क्या है, एक निश्चित दायरा है, एक निश्चित बाउंड्री है, जिसे क्या बोला गया है, सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। फिर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट इन ऑल सेल्स। जो स्ट्रक्चर है ना सेल मेम्ब्रेन का, हर एक सेल के अंदर अलग अलग है, लेकिन किस वे में अलग है, उसकी शेप के वे में, कॉम्पोजिशन के वे में नहीं, कॉम्पोजिशन के वे में जितने भी स्ट्रक्चर हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो एक जैसे ही होते हैं। दोबारा सुन लो, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट इन ऑल सेल्स। लिखा गया है कि क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसका, हर एक सेल मेम्ब्रेन की सेल का, लेकिन स्ट्रक्चर उसकी सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग है, अगर उसकी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो सेम रहती है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देखो, ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटीरियल यूजुअली एज डीएनए और आरएनए। हर एक सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, कौन सा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। अगला पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सेम इन ऑल सेल्स, कि हर एक सेल के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही रहता है। अगला पॉइंट देखो क्या है, ऑल सेल्स ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल्स, यानी कि हर एक सेल अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है अपनी आने वाली जनरेशन को, ठीक है। लास्ट देखो क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मटेरियल एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑल्सो सेम, कि क्या है, जितने भी एक्सचेंज है एनर्जी का, मटेरियल का और बाकी सारी जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का क्या है, वो सेम है। क्या मेथड, किस, कौन सा मेथड, एनर्जी एक्सचेंज का, मटेरियल एक्सचेंज का और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। कौन से होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर कंपाउंड का बनना, सबस्टांसिस का टूटना, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल किसने डिस्कवर किया था। देखो क्या लिखा है, इन 1665 द इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक लुक्ड एट अ स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक लेंस एंड नोटिस्ड सम पोर्स इन इट, कि 1665 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर, एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के अंदर किसको नोट किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, जो एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। उसके एक हिस्से को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसमें उसने क्या पाया कि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। उन्हें उसने क्या बोला, ही कॉल्ड दीज पोर्स एज सेल्स मीनिंग लिटिल रूम्स। उसने इन पोर्स को नाम दिया सेल्स, और सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। हम पहले पढ़ चुके हैं ना सेल का मीनिंग, यहाँ पे वो फिर से रिपीट हो रहा है। फिर देखो, रॉबर्ट हुक इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब रॉबर्ट हुक को और क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने साइटोलॉजी की शुरुआत की थी। अब साइटोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, कि साइंस की ऐसी ब्रांच जो किस में डील करती है, किस में काम करती है, किसी सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी और उसके फंक्शन में,
कि एक सेल किस तरीके से दिखता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, इसका स्टडी करती है, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। अगला पॉइंट देखो क्या है, द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व्ड बाय लेवेनहॉक इन 1674 विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड द फ्री सेल्स इन पोंड वाटर। देखो क्या बोला था हमने कि सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिविंग सेल, एक लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, लेवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। कब ऑब्जर्व किया था, 1674 के अंदर, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसने पोंड वाटर के अंदर कुछ सेल्स को देखा था, फ्री सेल्स को, जो क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। सेल डिस्कवर किसने किया सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने किया। लिविंग सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, लेवेनहॉक ने किया। अब सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, कब, इन 1831। उसके बाद कौन सी देखो डिस्कवरी हुई, परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग फ्लूइड सबस्टांस इन द सेल। फिर 1839 के अंदर जो परकिंजे था उसने क्या किया, एक वर्ड दिया, क्या वर्ड दिया, प्रोटोप्लाज्म, किसके लिए दिया, फॉर द लिविंग फ्लूइड सबस्टांस इन द सेल। सेल के अंदर जितना भी लिविंग फ्लूइड है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया, परकिंजे ने दिया। कब दिया, 1839 में दिया। उसके बाद देखो साइंटिस्ट हुए शेल्डन एंड शेजवान, इन्होंने क्या किया, थ्योरी दी जिसे बोला गया है सेल थ्योरी। दोबारा देख लो, शेल्डन एंड शेजवान ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। अब हम पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं उसके, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। All the plants and animals are composed of cells. Cell theory में क्या बोला शेजवान और शेल्डन ने, कि जितने भी plants हैं, animals हैं, वो किससे बने हैं, cell से बने हैं। The cell is the basic unit of life. और दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, कि cell क्या है, life का basic unit है, यानी कि cell होना ज़रूरी है, किस लिए, life के लिए। अब देखो अगला point क्या है, R. Virchow 1855, आर विर्शो ने 1855 में क्या किया, फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। क्या किया उसने, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, कैसे, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले शेल्डन एंड शेजवान ने क्या बोला कि सारे सेल बेसिक यूनिट हैं, सबसे पहले सब क्या बात बोली उसने कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। फिर क्या बोली उसने बात, कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। फिर आर विर्शो ने क्या किया 1855 में, इस सेल थ्योरी को क्या कर दिया, सजेस्ट किया इसमें एक और नया पॉइंट, वो क्या था, कि सारे सेल कैसे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जितने भी सेल अराइज हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, ऑलरेडी एक सेल पहले था जो डिवाइड होके क्या कर रहा है, नए सेल बनाता जा रहा है। ठीक है, ये सारी डिस्कवरीज याद करनी ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिस्कवरी कब हुई थी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है अगला जो है माइक्रोस्कोप एंड देयर हिस्ट्री, कि माइक्रोस्कोप्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं। इन 1590 ज़ेरिक जेंसन एंड हिज सन हैंस डच स्पेक्टेकल मेकर्स इन्वेंट फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब बना, इन 1590 किसने बनाया, जैकरस जेंसन और उसके बेटे किसने, हैंस ने। ये क्या थे, डच स्पेक्टेकल मेकर थे, चश्मे बनाने वाले थे। इन्होंने क्या बनाया 1590 में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। दूसरा पॉइंट क्या देखो, इन 1931 मैक्स किनॉल एंड अर्नस्ट रुस्का इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1931 में आया, जो किसने बनाया, मैक्स किनॉल एंड अर्नस्ट रुस्का ने। उसके बाद देखो एंटोन वॉन लेवेनहॉक, ए वी लेवेनहॉक भी बोलते हैं इसे, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी।
देखो याद करो, एंटोन वॉन लेवेनहॉक कौन था जिसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। उसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। क्यों बोला जाता है, देखो एज ही इंक्रीज द मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ऑफ लेंसेज बाय न्यू मेथड्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टाइनी लेंसेज। कि उसने क्या किया, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बढ़ा दी, किसकी, लेंसेज की। कैसे बढ़ाई, नए तरीकों से। क्या किया उसने, लेंस को ग्राइंड किया और पॉलिश किया। इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे लेंसेज थे जिनको उसने ग्राइंड किया, पॉलिश किया नए तरीके से, तो उन लेंसेज की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या हुआ, एक सेल को, एक छोटे से छोटे पार्टिकल को आप बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके देख पाए। इस वजह से क्या हुआ, एक माइक्रोस्कोपी को, माइक्रोस्कोप्स को एक नया रीज़न मिला, एक नई आइडेंटिटी मिली। इसीलिए क्या बोलते हैं, एंटोन वॉन लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कब हुई, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई, ये सब पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, अभी आप इतना ही करेंगे, इसे अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, फिर मैं आपको नया टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है बच्चों।